इस वक्त अभी हम मौजूद हैं मीठापुर इलाके के गोड़िया मठ के पास। बता दें कि यहाँ पर एक सड़क धस गया है और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं। दरअसल पूरा वाकया इस प्रकार है कि बीती रात अचानक से इस सड़क में एक छोटा सा होल हो गया और उसके बाद धीरे धीरे यह सड़क खोखला होता गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचित किया और जब प्रशासन आई तो उसने महसूस किया कि यह सड़क खोखला हो गया है। और उसके बाद सड़क को जब ढहा गया तब देखा गया कि पानी का सप्लाई है, काफ़ी पुराना वाटर सप्लाई है और काफ़ी तेज़ फोर्स था, जिस वजह से अंदर की मिट्टी काफ़ी बह चुकी थी, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में इसको रोकने के लिए इस सड़क को ढहा गया है और इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं, जान लेते हैं। कल रात को हुआ 10 बजे। क्या हो गया? पानी है, सप्लाई का पाइप है, वहीं से लीकेज था, वही लीकेज हो गया तो होम पाइप उस पर उसी पर लोड था तो पूरा खाली हो गया पानी से और नीचे पाइप बैठ गया, बैठने के कारण पूरा खोल हो गया, खोखला हो गया। हाँ, खोखला हो गया, थोड़ा सा जगह था। हाँ। उसको अभी जेसीबी से इसको गिराया गया है ताकि कोई भारी नुकसान नहीं हो, भारी हादसा नहीं हो, भारी हादसा ना हो, मतलब कि धीरे धीरे होल बड़ा होना शुरू हो गया। हाँ, पूरा देख रहे हैं अभी, आगे तक है। देखिए, ये साल भर से इस एरिया में आपका पानी सप्लाई नहीं मिल रहा था। कल जो है एक केतारी का जूस का गाड़ी यहाँ पर धंसा तो हम लोग केयर नहीं किए, लेकिन रात में जो पानी का बहने का आवाज़ आया तो हम लोग बॉल जला करके नीचे झाके तो देख रहे हैं कि पूरा खो हो गया। तो वही है जो कमिश्नर को तुरंत फ़ोन कर करके बुलाया गया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि यहीं पे आप तस्वीरों को देखेंगे कि यहीं पर ब्लू कलर की जो पाइप जा रही है उसमें 33,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रहा है और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि काफ़ी ये बेहद गंभीर हो सकता था अगर समय पर इसके बारे में प्रशासन एक्शन नहीं लेता, क्योंकि पानी का सप्लाई काफ़ी तेज़ था, फोर्स तेज़ था और इस वजह से मिट्टी यहाँ की काफ़ी निकल चुकी थी, इस वजह से सड़क खोखला हो चुका था। ऐसे में प्रशासन ने सड़क को ढहा है जेसीबी ला करके और उसके बाद पानी का जो फोर्स था उसको रोका है। उसके बाद बताते चले कि यह जो सड़क है 7 साल हो गए इस सड़क को बने हुए और एक बड़ा हादसा हो सकता था निश्चित तौर पर, लेकिन इसको रोक लिया गया है। ईटीवी विभाग के लिए पटना से कृष्ण नंदन।